डी अरविंद साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, जब तक ईवीएम है मोदी जी को लोकसभा में कोई नहीं हरा सकता, ये पक्की बात है। इंडिया जितना बड़ा गठबंधन बन जाए, मशीन से गणतंत्र में कोई चुनाव नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, ये तो सभी जानते हैं, दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय भारत के। अब अदालत में जाएगा, अदालत में ब्राह्मण बैठा हुआ, ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं होता, संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी के सर पर मुद्दे हो तो कोई जुर्म है, SC ST भी नहीं लगता। हाँ। मैं तो बहन जी से इतना कहूंगा, ED CBI से क्या डरना, अब तो लोगों को पता लग ही गया है कि इसमें ब्राह्मण मुस्लिमों के साले हैं, वो खत्म, वो पता ना चल जाए आने वाली नस्ल को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ, आज नहीं कई सालों से, जब से मोदी जी आए हैं, ये मोदी जी जो आए हैं ये पूंजीपतियों द्वारा पोषित ईवीएम मेकिंग से मशीन से चुने हुए ये तथाकथित पूरी की पूरी लोकसभा है, जिस कारण से आज ये सत्यानाश हो रहा है। डी अरविंद साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, जब तक ईवीएम है मोदी जी को लोकसभा में कोई नहीं हरा सकता, ये पक्की बात है। इंडिया जितना बड़ा गठबंधन बन जाए, ईवीएम का विरोध करने के लिए कोई आता नहीं, नहीं विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले उन सबको जिता चुके हैं, मायावती हो, सपा को भी जिता चुके हैं, बसपा को भी, RJD को भी, सबको भी जिता चुके हैं। ये ब्राह्मणों की चाल होती है, पहले स्टेप में उनको जिता दो, उसके बाद जो अपना खेल करते रहो, स्टेट में अभी भी जिताते रहो, ताकि लोगों का ये बना लगे। आप मशीन से कोई किस्म का चुनाव नहीं करा सकते, मशीन से गणतंत्र में कोई चुनाव नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, ये तो सभी जानते हैं, दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय भारत के। लेकिन क्या भारत की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है या सरकार को? तो नहीं, जनता को तो दिखाई दे रहा है, जनता के पास सुबह से लेकर शाम तक वो तो समन्वय समाज है, काम में बिजी रहती है, वो कहाँ से करेगी? जो हमारा एलिट क्लास है, जो हमारा एजुकेटेड क्लास है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जब इसका संज्ञान ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट जब मणिपुर का संज्ञान ले सकता है, इसका संज्ञान ले सकता है, तो ईवीएम का, उसके बाद जो है संविधान का, इस सब का संज्ञान नहीं ले सकता क्या? बहुजन नेता तमाम खामोश है इस पूरे। बहुजन नेता करे तो क्या करें, बेचारे गरीब होते हैं ना, बहुजन से उनका बैकअप नहीं होता, उनके पास कोई बाहर की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, गिन चुन के बस एक ही पोस्ट बचा है मंत्री पद का या MLA का, MP का पोस्ट बचा है, 131 तो बैठे हैं, लेकिन उनका पद है ना, अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनका पद चला जाएगा। ओम बिरला जी बैठे हो, ब्राह्मण सब उनके अध्यक्ष बन के बैठे हो, एक्सपेल कर देंगे, क्या कर लेंगे आप? अब अदालत में जाएगा, अदालत में ब्राह्मण बैठा हुआ, ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं होता, ये 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने कह दिया। SC ST OBC माइनॉरिटीज क्या ये सिर्फ जुल्म सहने के लिए रह गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये जुल्म सहने के लिए रहेंगे, जब तक ये क्रांति नहीं करेंगे, जब तक ये कानूनी लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक वो मरेंगे, कटेंगे, इन्हें आना होगा। खुसूसन मैं मुसलमानों को आह्वान करता हूँ कि मुसलमानों को आगे आना होगा ईवीएम के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को प्रिवेल करने के लिए। वोट बैंक लूटने के लिए वो मुस्लिमों के पास भी जा रहे हैं, मुस्लिमों को भी अपना बना रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मुसलमान के इलाके में ही तो ईवीएम खराब होते हैं, ईवीएम हैक होते हैं, उसके बाद उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारे कार्ड तो होते ही है मुसलमानों के साथ। मुसलमान भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है, एक बार नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। SC ST OBC माइनॉरिटीज पर लगातार जुल्म हो रहे हैं और उनको इतना पीड़ित किया जाता है, मतलब इतना अपमानित किया जाता है कि पीछे ही हटने में भलाई समझते हैं। नहीं, वजह यह है कि उनको पता है ना, ना उनका कोर्ट में कोई है, ना कोई उनका वकील है, ना कोई उनका जज है, कोई सुनने वाला कौन है, इनके पास तो सब कुछ है ना, ये तो सर पे पेशाब करने के बाद भी इनका समाज आके खड़ा हो जाता है, कहता भाई कोई जुर्म है ही नहीं, वाकई में जुर्म नहीं, संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी के सर पर मुद्दे हो तो कोई जुर्म है, SC ST भी नहीं लगता। हाँ जी, व्यवस्था किसकी बेहतर है, SC ST OBC माइनॉरिटीज की या जनरल कैटेगरी? जनरल कैटेगरी की, सारा का सारा 80% पैसा तो उन्हीं के पास है, अंबानी अडानी पूरा ब्राह्मणों के पास है, जमीन जायदाद सब कुछ तो उनके पास है। अब तो ईडब्ल्यूएस से वो तो सब चीज पर कब्जा करके बैठ गए। तो ये जो ईवीएम की जो लड़ाई है, हाँ। जो लड़ाई लगातार बहुजन समाज 2014 से बोल रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, गवर्नमेंट मिश्राम लगातार कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है, उसके बाद अब तो मंत्री ने भी बोल दिया। हाँ मंत्री ने तो साफ कर दिया, इससे पहले भी एक मंत्री ने बोला था, हाँ। ऐसा नहीं, हरियाणा के एक और मंत्री ने भी इस बात को कही थी, और ये कही थी कि भाई ईवीएम जो है, हम जब तक ईवीएम है हमें कोई नहीं हरा सकता, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी जैसे हिंदुस्तान के जो तथाकथित होने वाले प्रधानमंत्री, जो असदुद्दीन अवैसी जी हैं MIM के, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अवश्य बन जाएंगे, वजीर आजम जरूर बन जाएंगे, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, वो कहते नहीं, कहते मैं बैरिस्टर हूँ। वो बीजेपी के, वो असल में एक चेले हैं, हैदराबाद के सांसद हैं,
है ना, वो उन्हीं के चेले हैं, वो भी कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। तो ऐसा है कि इस जैसे मुसलमानों की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, बीजेपी के हैं ये तो ब्राह्मण ही थे असल में, जिस तरह वो फारूक अब्दुल्ला हो। बहन जी के तालुक से इतना है कि बहन जी का जो है अभी इंडियन इंक्लूसिव अलायंस में भी वो आने चाहिए, आ जाएँ, वो कब तक ईडी सीबीआई से डरती रहेंगी। मैं तो बहन जी से इतना कहूँगा ईडी सीबीआई से क्या डरना, अब तो लोगों को पता लग ही गया है, जो भी बीजेपी के खिलाफ आ रहा है, जो भी इन सामंतवादियों के खिलाफ आ रहा है, सबके खिलाफ लग रही है, तो बहन जी को आ जाना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ इतनी स्पष्ट टिप्पणी होने के बाद भी बहुजन समाज लेकिन बहुजन समाज के पास क्या है, सवाल ये है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, क्या है उनके पास, यही संगठन बना के कुछ करने की ताकत तो है नहीं। सड़के भर के क्या कर लेंगे, गोली खाएंगे, डंडा खाएंगे, आप क्या चाहते हो वो खाएं, हम गरीब लोग, हमारे पास जो गरीब लोग हैं हमारे पास तो सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करके खाने, मेहनत कश लोग हैं ना, क्या करेंगे वो मेहनत कश लोगों को, ये मारोगे आप तो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के अब तक तो यही हुआ, जो ब्राह्मणों ने लिखा वही हमने पढ़ा, बंदर पहाड़ लेके उड़ गया, ये फलाना हो गया, वो ढकाना हो गया, यही पड़ा हमने। साहब जो मुस्लिमों से मुस्लिम हो करके भी लड़ाई लड़ी है, शहीद भगत सिंह को ले लो, जो भगत सिंह जी की आवाज उठाई वकील ने, एडवोकेट ने, मुस्लिम था लेकिन उनको भी दबा दिया, आसिफ अली जी को भी। अभी जो है आपने देखा होगा पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ी थी वीर अब्दुल हमीद शहीद है, उनका चैप्टर हटा दिया, अभी मुगलों के चैप्टर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मुगलों का यदि चैप्टर नहीं हटाएंगे तो आने वाली नस्लें आपको सवाल खड़ा कर देंगी, और ये सवाल खड़े ना हों उसके ऊपर इन्होंने ये अपना काम किया कि इसमें ब्राह्मण मुस्लिमों के साले हैं, वो ख़त्म, वो पता ना चल जाए आने वाली नस्ल को, तो ये उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रही हैं। फिर पावर ऑफ द ट्रांसफ़र कैसे हुई ये पावर, उसके लिए भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और जो ये लोग जागृत ना हो जाएं, तो ये इसीलिए आप पसमानदा नया फार्मूला निकाल दिया मुस्लिमों का, जबकि मजलूम मुस्लिम समाज में इस्लाम मजहब में कहा गया है कि मजलूम की हमेशा हेल्प करनी है, क्योंकि इस्लाम मजहब जो है वो इतना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ताकत देता है एक इंसानियत की, मानवता की, कि कोई और पाखंडवाद की तरह से वहाँ पर कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने कई बार समय समय पर SC ST पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है और मदद भी करी है। भाई साहब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संसद में भेजने वाले ही मुस्लिम समाज है, वरना मुस्लिम समाज ना होता तो SC ST ने ही बाबा साहब को धोखा दे दिया हमेशा। माँ फातिमा शेख ने भी मदद करी थी हमारी माँ सावित्री बाई फूले की, यदि ना करती तो आज शिक्षित ना होता समाज, शिक्षित ना होता तो 24 में क्या बहुजन और दलित जो मुस्लिम है वो एक साथ होंगे क्या? देखिए ये तो हमेशा एक साथ रहता है, मुस्लिम हमेशा न्याय के साथ है, अन्यायी के कभी साथ नहीं है, लेकिन ये एक षड्यंत्र रच करके सवर्ण को अध्यक्ष बना दिया और सैफी को वो बना दिया फलाना, और फलाना फिर अंसारी को बना दिया, तो ये पसमानदा खेल खेल करके भी लोगों को, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, और आज मुस्लिम समाज को उस अन्यायी बनाया जाने के एक षड्यंत्र रच रहा है कि जो इनके समाज में हम लोग घुट मिट जाएं।